नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। टाइम 10:15 के लगभग हो गया है और मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने दिया क्या हुआ है। तो ये ट्रेड था, ये तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, बताया था आप लोग को कि जब मैं सेल बोलूँ तब आप सेल लीजिए। तो ये तो उसी दिन 280 क्रॉस कर गया था, 17,500 की जो पुट थी, और बैंक निफ्टी 38,400। देन ये मैंने दिया था जाते जाते 3:20 पे, 17,200 की पुट सितंबर मंथ की, ये 220 प्लस चल रही है, और बैंक निफ्टी क्लियर कट बोल दिया था 38,400 दिख जाएगा। और आप ये तो खुला बताया था, वेडनेसडे से बोलता आ रहा था मैं, अभी एक ही ट्रेड दिया है मैंने दोस्तों, कोटक बैंक आप देख सकते हैं 1823 पे, और नीचे की तरफ क्यों, इसमें देखिए इसको मैंने सेल तो पहले से ही दिया हुआ है, इसने क्या है एसएल ले लिया था, ये देख लीजिए ट्रेड मैंने कैसे पहले से ही पुट में हूँ यार, कोई झूठ नहीं है। यहाँ पे मैंने इसको सेल दिया हुआ था, इसकी क्या न्यूज़ थी कि ये फटसी के इंडेक्स में शामिल होने वाला है, वहाँ से भाग गया साला ये, अदरवाइज़ का प्योर सेल सेटअप बना हुआ था। SBI सेल दिया हुआ है, SBI देख लीजिए कहाँ चल रहा हुआ है। मारुति तो आप लोग को पता ही है, ऑटो ठुकेंगे, क्लियर कट बोल दिया था। इंडसइंड बैंक देख लीजिए 1090 के आसपास से आज कहाँ चल रहा है इंडसइंड बैंक देख लीजिए, बाकी तो सब आपके साथ शेयर किया ही हुआ है। अब आ जाते हैं थोड़ा सा हम लोग चार्ट पे आ जाते हैं, ये देख लीजिए दोस्तों, मैंने फ्राइडे तक बोला था बिलो 17,600 एंड 38,500, मंडे मॉर्निंग पहले 10 मिनट में ही आ गया है। अब लर्निंग क्या है, देखिए ये जो दो कैंडल बनी हैं अब तक, ये इस सेटअप पे, इस ओवरबॉट सेटअप पे ये श्योर शॉर्ट कैंडल हैं, ये बनती ही बनती है। 18,114 के टॉप से बनी, वहाँ पे HDFC बैंक उसका मर्जर का न्यूज़ चला दिया था, जब आप लोग को याद होगा 17,500 की पुट मैंने बताई थी, 17,500 की पुट वो डबल हो गई थी, फिर 18,350 पे भी इन्होंने 3-4 दिन टांग के रखा, वहाँ से भी मार्केट जब गिरा दबा के गिरा। तो ये सेटअप में ये श्योर शॉर्ट कैंडल होती है। अब ये खींच के 2-3 दिन कितना ऊपर ले जाएगा यार, वो इसके ऊपर है। अगर मार्केट यहाँ से गिरता 17,700 से, तब भी ये दो कैंडल बड़ी बड़ी बनती ही बनती, आप चार्ट खोल के देख लीजिए पीछे के। तो आपका फोकस इस ट्रेड पे होना चाहिए। मैं क्यों बोल रहा था कि पुट में पैसा बनेगा, मैं क्यों बोल रहा था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कॉल में नहीं बनाया, किसी ने कॉल बाय क्योंकि डेफिनेटली बनाए, बट जब मार्केट ओवरबॉट क्या एक्सट्रीम ओवरबॉट हो जाता है, तो वो 17,700 से गिरे, 17,800 से गिरे, 17,900 से गिरे, वो नहीं पता किया जा सकता। हाँ, पर गिरेगा ज़रूर, तो इसलिए बड़ा टाइम फ्रेम रख के, वीकली पुट शुट ये सब, कॉल पुट ये सब छोड़ छाड़ के, बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप बाय करेंगे तो डेफिनेटली पैसा मिलेगा, ठीक है। और नहीं भी है, अगर आपने मेरे साथ सेल किया है जब मैंने वहाँ बताया था, तो हम पैसा बना है, लोगों ने मुझे इतने मैसेजेस कर रखे हैं, ठीक है, इतने कॉल तो खैर नंबर मेरा किसी के पास है नहीं ना, मैं दे सकता हूँ, मेरे को इतने स्क्रीनशॉट और मैसेज आ रखे हैं, तो सबको सबसे पहले तहे दिल से थैंक यू, दोज हु बिलीव मी, ठीक है। ठुकेगा वही जो वीकली कॉल पुट में रखेगा और कैरी करके जाएगा। अब यहाँ से फ्राइडे ना से यार मंडे मॉर्निंग दोनों के नीचे, अब देखिए जो इसने भी गैप फिल कर दिया है, बट 20 EMAs का 38,010 पे है, तो इसको यहाँ पे आना ही है, इसी वीक में आना है, तो 200-250 की और गिरावट पेंडिंग है, हो सकता है यहाँ से रिकवरी ले जाए, वहाँ से नीचे की तरफ आए, ठीक है। तो बाय तो नहीं करना है, मार्केट ऊपर ही जाता है, ठोकना ही है। अब जो रेजिस्टेंस का काम करेंगे बैंक निफ्टी के लिए, वो करेगा 38,700, और निफ्टी के लिए करेगा
17,650। इन दो लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। क्या बोला मैंने? 17,650 भी नहीं, 17,640। इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। बैंक निफ्टी में 38,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। तो बियर का जो ट्रेंड है वो जारी रहेगा, मतलब मार्केट नीचे की तरफ जारी रहेगा। अभी जो पुट कॉल रेशियो वगैरह मैंने देखे हैं वो थोड़े ओवरसोल्ड हो गए हैं, इसलिए अभी ये थोड़ा साइडवेज हो गया है मार्केट। बट मार्केट की दिशा और मार्केट में जो फोर्स है वो नीचे की तरफ ही है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, बाकी मैं भी काफ़ी सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस पिछला क्या था, वीकेंड जो था लॉन्ग था, अब इतनी कॉल पुट उसमें हो रखी थी तो ऑपरेटर ने लास्ट वीक एक्सपायरी वाले को पैसा देना ही नहीं था। उसने थर्सडे तक मार्केट को गिराया ही नहीं। तो मैं भी ऑप्शन चेन वगैरह देख के ये चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब ये थोड़ा सा करीब आया जा सके कि कहाँ से गिरेगा। ये ओवरबॉट तो यहीं से था 17,500-17,600 से। आपको याद होगा लास्ट टू लास्ट एक्सपायरी 17,500 से 300 पॉइंट का फॉल आया था, 17,160 ये कैंडल जो दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। ये इसके बाद ये दोबारा से 17,600-650 पे जाके ओवरबॉट हो गया था, बट वहाँ से भी उसने 300 पॉइंट खींच दिया। तो ये चीज़ें थोड़ा प्रेडिक्ट करने की और एंटिसिपेट करने की कोशिश मेरी जारी है और थोड़ा सा एक्यूरेसी बढ़ाई जाए, ठीक है। तो वो देख समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी इसने ऑपरेटर ने लॉन्ग वीकेंड के चक्कर में जिन्होंने कॉल राइट पुट राइट उसे पैसा देना ही नहीं था, इसने गिराया ही नहीं। और एल्गो ऐसी सेट कर रखी है डेली हायर क्लोजिंग। अरे मजाक चल रहा है क्या? ठीक है, ट्रेंड तेजी का है, मजाक चल रहा है क्या? डेली हायर क्लोजिंग ऐसे नहीं चलता है मार्केट, ठीक है। इट्स लाइक आप मार्केट का जो क्या कहते हैं बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो झटका देगा। ऑपरेटर को भी लेके डूबती हैं ऐसी चीज़ें, नोबडी कैन कंट्रोल। कितने दिन तक करोगे आप, ठीक है। तो यही मेरा कहना है, थोड़ा आपको प्रवचन लगा होगा, बट जो समझेगा, आपने जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उस चीज़ को ट्रेड करना है, जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कम है उस चीज़ को ट्रेड नहीं करना है। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी 90% थी कि 2-3 कैंडल ऐसी मोटी मोटी बड़ी बड़ी विद इन 2-3 डेज बनेंगी, मतलब कंसेक्यूटिवली बनेंगी। और ये जो प्यादे बन रहे थे यहाँ पे 10 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट ऊपर 30 पॉइंट ऊपर, इनको ट्रेड नहीं करना था, ट्रेड इनको करना था, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। 38,800 के करीब है 20 EMA, तो अगर आज ही आता है तो वो 300 पॉइंट की फॉल है, कल आता है तो थोड़ा सा ये ऊपर आ जाएगा तो 250 पॉइंट की फॉल मिलेगी। बट अभी जो फ्लो रहेगा मार्केट का वो सेल ऑन द राइज ही रहेगा, टिल दैट टाइम बैंक निफ्टी में 38,000 ये 20 EMA नहीं टच हो जाता, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।